एक आक इहै मन माही, एक आक, एक ही बात है मन में, इहै मन माही। प्रात का चली हूँ प्रभु पाही, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही। गुरु जी मैं जानता हूँ यद्यपि मैं मन भर अपराधी, यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भे मोहि कारण सकल उपाधि, भे मोहि कारण सकल उपाधि, तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सब करी हाहि कृपा भरत भैया ने अपनी बात स्पष्ट रख दी। क्या यहां एक बात दर्शन करिएगा, भरत जी गुरु जी से आज्ञा नहीं मांग रहे हैं। आज्ञा मानने में खतरा है, यदि गुरुदेव ने मना कर दिया तो भरत जी को मानना पड़ेगा, जाएंगे नहीं भरत जी। इसलिए भरत जी आज्ञा नहीं मांग रहे, सूचना दे रहे हैं। क्या प्रातः काल चली हूँ प्रभु पाही, भरत जी कहते हैं गुरुदेव प्रातः काल मैं अपने भैया के श्री चरणों का दर्शन करने के लिए मैं जा रहा हूँ, मेरा जाना तो तय है गुरुजी। हाँ, मेरे साथ इस प्रजा समाज में से जो जो चलना चाहता है उसका स्वागत है, यदि कोई नहीं जाएगा तो भरत अकेले जाएगा अपने भैया के पास, मेरा जाना तय है गुरुजी। भरत जी कहते हैं गुरुदेव मैं जानता हूं कि मैं अपराधी हूं, इस भरत के कारण ही मेरे घर में ये उत्पात भया है, लेकिन मुझे और किसी पर विश्वास हो चाहे न हो अपने भैया पर अवश्य विश्वास है। वन में यदि इस पापी भरत को भी प्रभु अपने सन्मुख देखेंगे तो मेरा विश्वास कहता है गुरुदेव भैया मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करके और दौड़ कर अपने भाई को हृदय से लगा लेंगे, मोहि रघुबीर भरोस। ये चरित्र है भरत जी का। जीवन में याद रखिएगा, विश्वास कभी भी एक तरफा नहीं होता, विश्वास जब भी होगा तो दो तरफा होगा। कई लोग कहते हैं महाराज अब आप पहले वाले नहीं रहे, आप बदल गए। ए महाराज नहीं बदले हैं, आप बदल गए हैं, इसलिए सामने वाला आपको बदला बदला दिखाई पड़ता है। अपने प्रेम में कमी जब आती है तो सामने वाले में कमी दिखाई पड़ती है। जब अपना प्रेम पुष्ट रहता है तो जीवन की कितनी भी परिस्थिति बिगड़ जाए प्रेम में कमी आने वाली नहीं है। ये भरत चरित्र का मूल सिद्धांत है, भरत जी का रघुनाथ जी के चरणों में विश्वास। आपन जानी न त्यागी हैं
मोही रघुबीर भरो। भरत जी कहते मैं भगवान का अपना हूँ, आपन जान। कितनी बड़ी बात, आपन जान। हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण जानते क्या है? हम भगवान को अपना नहीं मान पाते। भगवान तो अपना मान ही बैठे हैं, हम ही नहीं मान पाते हैं। संसार को बहुत अपना बनाकर आपने देख लिया, एक बार मेरे रघुनाथ जी को अपना बनाकर देख लीजिए, कितना परिवर्तन आता। दर्शन करिए, भरत जी कहते हैं आपन जान न त्यागी है मोही रघुबीर भरोस। अभी हम लोग एक भजन गाए हैं विनय। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। हे नाथ क्या ये न होगी। आश्रित पे अनुग्रह की, आश्रित पे अनुग्रह की, हर मार अब न होगी। आश्रित पे अनुग्रह की, हर मार गर है स्वभाव बदला तो साफ साफ कह दो। गर है स्वभाव बदला तो साफ साफ कह दो। गर है स्वभाव बदला, साफ कह दो। हुई बार बार करुणा, हुई बार बार करुणा, इस बार अब न हो। प्रभु आपने कईयों के उद्धार किए। साधक कहता है पतितों को तारने के किससे हुए
जाने या एक नई कहानी, या एक नई कहानी, तैयार अब न हो कहता है दुख दूर कर दो ताकि राजेश भी ये बोले, दुख दूर कर दो ताकि राजेश भी ये बोले। प्रातः स्मरणीय पूज्य साकेतवासी पूज्य स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की ये पंक्तियां हैं। सरकार का नाम पहले सन्यास के पहले राजेश था, राजेश रामायणी। इस दास का भी असली नाम राजेश ही है, राजन तो घर वाला नाम है, है? दुख दूर कर दो ताकि राजेश भी बोले, दुख दूर कर दो ताकि राजेश भी बोले, दुख दूर कर दो ताकि, दुख दूर कर दो ताकि राजेश भी ये बोले, एहसान मानता हूँ, एहसान मानता हे प्रभु, तकरार अब न हो। रहते थे जिसके बस में और जो आपको था प्यारा, उस प्यार की भी शायद दरकार। भरत चरित्र आपन जानी न त्यागी हही, मोहि रघुबीर भरत जी की इस बात को सुनकर पूरी अयोध्या, बाबा कहते हैं एक जी चलता प्रात लखी निरन के, चलता प्रात
प्रभे सब ताही कहाही सराही सराही भरत ताही कहाही सराही राम प्रेम मो रति जनु आही भैया प्रातः काल पूरी अयोध्या को लेकर रघुनाथ जी के श्री चरणों में चलेंगे, ऐसा सुनकर पूरी प्रजा, अयोध्या की पूरी प्रजा भरत जी के नाम की जय जयकार करने लगी। बोलिए भरत भैया की जय। पूरी प्रजा चलने को तैयार हो गई। लोगों ने अपने अपने घरों में वृद्ध जनों को और बालकों को कहा कि आप नहीं चलेंगे। जिसको जाने से मना कर दिया गया, गोस्वामी जी कहते हैं उसे ऐसा लगा मानो किसी ने गर्दन पर तलवार फेर दी हो। आज अयोध्या में पूरी रात्रि कोई सोया नहीं है। क्यों नहीं सोए? अयोध्या वासी सोचने लगे, राम जी के साथ गए, तमसा नदी पर जाकर सो गए तो राम जी छोड़कर चले गए, आज यदि अयोध्या में सो गए और प्रातः काल भरत जी छोड़ के चले जाएंगे तो क्या होगा? कोई सोया नहीं हो, सब जगे रहे। भरत जी पवित्र सेवकों को याद करते हैं। कैसे सेवक? सपने हो जे निज धर्म न डोले। एक बात समझिएगा, भरत जी कहते हैं कि जो अयोध्या की सत्ता है ये किसकी सत्ता है? आप कहिए, अयोध्या की जो राज सत्ता है किसकी है? राम जी की। जीवन में अभिमान हमको तब होता है माई बाप जब हम भगवत कृपा को अपना पुरुषार्थ मान लेते हैं। जब जब हम भगवत कृपा को पुरुषार्थ मानना प्रयास करेंगे, प्रारंभ करेंगे, हमको अभिमान से कोई रोक नहीं सकता है। साधक का जीवन कैसा होना चाहिए? जीवन में कितनी भी बड़ी उपलब्धि क्यों ना प्राप्त हो जाए, उसे सदैव भगवत कृपा मानने, उसको कभी अभिमान होने वाला नहीं है। भरत जी कहते हैं ये जो संपत्ति है किसकी है? संपत्ति सब रघुपति के जो बिनु जतन चलो तजिता। ये संपत्ति रघुनाथ जी की है और यदि मैं व्यवस्थित करके इस संपत्ति को यहां से नहीं जाऊंगा तो परिणाम नमोर भला पाप सिरो मणि साई दुहाई। ये वाक्य हमारे आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है माई बाप। एक प्रश्न पूछता हूं आपसे, आप जब संसार में आए तो क्या लेकर आए थे?
अरे आते समय जो आया भी होगा जाते समय खुल गया हो, आए थे तो बंद करके लाए थे, हो सकता है कुछ हो, लेकिन जब गए तो बंद करके नहीं गए, खोल कर गए। हम लोग एक भजन गाते उसका अंतरा है, क्या लेकर आया था जग में तू फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। अरे मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, फिर हाथ पसारे जाना है, वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा बावरे, मद में तू मस्ताना है, ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है, ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर क्या लेकर आया था जग में फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। तू क्या लेकर आया था जग में फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, फिर हाथ पसारे जाना है, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज जिस घर से निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है, ओ सोने वाले जाग जा, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। जिस घर से निकल उस घर में फिर नहीं आना है, ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है, ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। जितना याद है, सुत मातु पिता बांधव नारी, धन धाम यहीं रह जाएगा,
मात मात पिता बांधव नारी धन धाम यही रह जाएगा, धन धाम यही रह जाएगा, धन धाम यही रह जाएगा। ये चंद दिनों की यारी है, चंद दिनों की यारी है, फिर अपना कौन बेगाना है। कौन बेगाना है ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। उपाय क्या करना है, साधक कहता है, कहे भिक्षु यति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। कहे भिक्षु यति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। पाकर कंचन की काया को, पाकर कंचन की काया को, फिर हाथ मीज पछताना है ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा, मद में तो मत ताना है ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर बात समझ में आ रही है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। भरत जी कहते हैं, जो बिनु जतन चलो तजीता। अब समझिएगा, आप धरती पर आए खाली हाथ आए, अश्विनी बाबू जब खाली हाथ आए हैं तो आज आपके पास जो घर है, जो गाड़ी है, जो संपत्ति है, ये कहां से आया? आपका होता तो आप लेकर आते, आपका यदि है तो आप लेके चले जाएंगे। जितने लोग बैठे कहिए, आज आपके पास जो संपत्ति है यदि आपकी है तो आप छोड़ के क्यों जाएंगे? आप लेके जाइए, कोई नहीं लेकर जाएगा। इसका मतलब जो भी संपत्ति आज हमारे आपके पास है उसके हम मालिक नहीं हैं, हम केवल केयर टेकर हैं। उस संपत्ति के असली मालिक हमारे रघुनाथ जी हैं, ठाकुर जी ने दिया है, आपको केवल संभाल करना है। आपका जो परिवार है ये भी आपकी नहीं है, ठाकुर जी ने दिया है, आप इसके रक्षक हैं। भरत जी कहते हैं, यदि भगवान की संपत्ति को अधर में छोड़कर चला गया तो मेरा परिणाम अच्छा होने वाला नहीं है। कई लोग कथा सुनते हैं, कथा सुन के कहते हैं, महाराज मन करता है बैराग ले लूं। विवाह करने के बाद बैराग की सूझी, पहले बन जाते, किसी को घर में लाकर बिठा लिए, चार बच्चे आ गए, और जब झंझट पड़ा तो चलिए बाबा जी के मठ पर, बैरागी बनेंगे, इनका क्या होगा? आपकी जो पत्नी है, आपकी जो बच्चे हैं, ये संपत्ति सब
रघुपति के आए। ये भगवान की संपत्ति है, और यदि आप अधर्म में छोड़कर इस परिवार को और विरक्त होकर बाहर निकल गए तो याद रखिएगा आपका भी परिणाम मंगल होने वाला नहीं है। ऐ भगत छोड़ के भजन नहीं करता है, वो भगत पकड़ के जुटा कर भजन करता है। सुग्रीव जी की एक बात से भगवान समझ गए नकली भगत बना है ये। सुग्रीव भगवान पर ही संशय करता है। भगवान ने कहा सखा सोच त्याग अहु बल मोरे, सुग्रीव मेरे बल के भरोसे तुम निश्चिंत हो जाओ। सुग्रीव कहता है राम जी आप में बल है लेकिन आप मेरे भाई बाली को नहीं जानते, आप में तो केवल बल है, बाली महाबल। अब सुनिए, कहता है राम जी आप में तो केवल बल है, मेरे भाई में महाबल है। लक्ष्मण जी कहे बहुत बढ़िया मित्र बनाया प्रभु आपने, ये आप ही में संशय देख रहा है। भगवान बोले फिर, सुग्रीव ने कहा मैं परीक्षण करूंगा। परीक्षण किया, जब परीक्षण किया तब सुग्रीव को पता चला कि राम जी अपना बल बताएं, मैंने बाली का महाबल बताया लेकिन राम जी में ना बल है ना महाबल है। देखी अमित बल बाढ़ी प्री, अरे राम जी में तो अमित बल है, अपार बल है। बाली बधब इन भय, ये बाली को अवश्य मार सकते हैं। अब भाषा सुनिए, जब सुग्रीव को विश्वास हो गया कि रघुनाथ जी बाली को मार देंगे तो भाषा सुनिए, हाथ जोड़ लिए सुग्रीव। भगवान बोले कहां है आपका शत्रु? बाली बोल, सुग्रीव बोला कौन शत्रु? अभी ना आप कह रहे थे कि बाली आपका बाली शत्रु है। सुग्रीव कहते प्रभु बाली शत्रु नहीं है, बाली तो मेरा परम हितैषी निकल गया, यदि बाली मुझे न मारा होता तो मुझे राम का दर्शन कैसे प्राप्त हुआ रहता, वो तो मेरा हितैषी निकल गया। भगवान बोले ये बात तो तुमको पहले सोचना चाहिए ना, तुम इतना मेरे सामने रोए कि मैंने बाली को मारने का सौगंध ले लिया, अब मेरे वचन का क्या होगा? मैंने प्रण किया है सुन सुग्रीव मैं मारी हूं बाली एक ही बाण, उसका क्या होगा? सुग्रीव कहते प्रभु अब मारी और ये छोड़िए, अब प्रभु कृपा करहु एही भांति। कैसे कृपा करिए? कि सब तजी भजन करहु दीन राति। प्रभु आप ऐसे करिए कि सब परिवार और बार छोड़ के मैं आपका भजन करूं। भगवान समझ गए नकली साधु बना है। भगवान का देखिए, क्षमा करिएगा थोड़ी कड़वी बात, समझ रहे हैं? फेटो फेटो, एक फेटने वाला अपने जीवन काल में कम से कम 100 फेटने वाला बना देता है। लेने वाला 25-30 को तो सिखाई देता है लेना, आप कल्पना करिए। तो यदि आप अपने आप को भक्त समझते हैं तो आज संकल्प करिए कि आप भी अपने जीवन में कम से कम 100 भगवान के भक्त बना कर जाएंगे। यदि वो निष्ठावान है तो हमारी निष्ठा में क्यों कमी जी? अब आप बताइए यदि छोड़ के भजन करेंगे तो कोई भगत बनेगा? भगवान का भक्त छोड़कर भजन नहीं करता, भगवान का भक्त जहां जाता है सबको समेट कर भजन करता है, यह परिचय है। भगवान शंकर को देखिए, शंकर जी के कौन सा घर छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए हो? यदि बाबा नहीं छोड़े तो हम क्यों छोड़े? परिवार में रहिए, अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, भाई माई बाप के साथ रहिए और ऐसा भजन करिए कि आपके भजन के प्रभाव से आपका पूरा परिवार भगवान का भक्त हो जाए, तब जीवन की सार्थकता है। माई बाप, भरत जी कहते हैं ये संपत्ति रघुनाथ जी की है, यदि मैं छोड़कर चला गया तो मेरा परिणाम मंगल होने वाला नहीं है। इसलिए पवित्र सेवकों को बुलाया, अयोध्या के रख रखाव का भार सौंपा भरत भैया ने। गुरु जी से आज्ञा मांगी, गुरुदेव आज्ञा हो तो हम राज्याभिषेक की सामग्री ले ले,
आप चल के वन में तत्काल भैया का राज तिलक करिए। गुरु जी ने कहा पुत्र सब ले लो, राज्याभिषेक की सामग्री लिए, सुंदर रथ पर गुरुदेव को बिठाया, पाल की परमाताओं को बिठाया, आगे माताओं की पाल की निकली, गुरु जी का रथ निकला, गुरु जी के रथ के बाद माताओं की पाल की निकली, पालकी के बाद अयोध्या की प्रजा अपने अपने वाहन पर निकली और सबके साथ भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट रामा राम को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने, भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट राम समुझ मन माहि, बंसिया राम समुझ मन माहि, सानुज भरत पया दे जाहि, सानुज संग साधक से धरा राम को मनाने, साधक से धरा राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट मना। सबके जाने के बाद भरत भैया शत्रुघ्न जी के साथ पैदल पैदल चलने लगे। क्यों? बनसिया राम समुझि मन माही, मेरे प्रभु वन में बैठे और मैं रथ पर बैठ के जाऊंगा, उचित होगा क्या? भरत जी शत्रुघ्न जी पैदल पैदल चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद अयोध्या की प्रजा भरत भैया को ढूंढने लगी। क्यों? वो वाहन पर आगे निकल गए, पता चला भरत जी पैदल पैदल आ रहे हैं, अयोध्या की पूरी प्रजा अपने वाहन से नीचे उतर गई। मां कौशल्या को पता चला, मां ने जाकर भरत भैया से कहा पुत्र यदि शीघ्र राम के पास पहुंचना चाहते हो भरत तो रथ पर बैठ जाओ। मां की बात मानकर भरत भैया रथारूढ़ भय। पहले दिन पूरा समाज तमसाजी के तट पर विश्राम करता है, दूसरे दिन गोमती मैया के तट पर विश्राम भया है, तीसरे दिन सई नदी के तट पर विश्राम भया और अयोध्या से चलने के चौथे दिन पूरा समाज श्रृंगवेरपुर में पहुंचा है। निषाद राजगुह के सेवकों ने आकर उनको बताया कि भरत जी विशाल सेना लेकर वन में जा रहे हैं। अब समझिएगा, राजा के कान में सेना शब्द आते उसे युद्ध दिखाई पड़ता है। निषाद राजगुह को लगा भरत जी कहीं राम जी से युद्ध करने तो नहीं जा रहे, अपने सिपाहियों को बुलाकर सावधान किया, सावधान, शरीर में रक्त का एक बूंद जब तक उपस्थित है इस अयोध्या की सेना का एक भी सैनिक गंगा को पार करने न पाए, आज राम प्रेम के परीक्षण का समय आ गया है, खड़े हो जाओ। निषाद राजगुरु के सारे सैनिक हाथ में आयुध धारण करके खड़े हो गए। तब तक किसी ने छींक दिया, छींक आती है ना, किसी ने छींक दिया तो
तो एक बूढ़े बाबा ने कहा, महाराज ये सगुण बता रहा है कि भरत जी राम जी से युद्ध करने नहीं जा रहे हैं, भरत जी अपने भैया को प्रेम करने जा रहे हैं। मेरी मानिए तो आप भरत जी के पहले विचार का पता लगाइए, उनके भावनाओं को समझिए। निषाद राजगुरु बोले, उचित कहा आपने। उपहार लेकर पहुंचे निषाद जी सन्मुख और दूर से निषाद राजगुरु ने दंडवत किया है। भरत जी ने पूछा, गुरु जी वो कौन है? गुरु जी ने कहा, भरत वो आपके भैया के सखा है। आप लोग को भोजपुरी समझ में आएगी? संहतिया कहते हैं दोस्त को, मित्र को। भरत जी सुने हो का केवट के जतिया हौवन मोर भैया के संहतिया इतना बतिया सुन के वट के जतिया हौवन भैया के संहतिया इतना बतिया सुन के भरत जी हो गई ले अधीर इतना बतिया। ए भरत भैया रथ से कूद कर दौड़ पड़े, जाकर निषाद राजगुरु को उठाकर भरत जी ने हृदय से लगा लिया। लोग कहते हैं भरत जी ने किसको हृदय लगा दिया, निषाद राजगुरु केवट हैं, उनकी परछाई भी छाया स्पर्श हो जाए तो जीव को शुद्ध होना पड़ता है। गोस्वामी जी कहते हैं, रघुनाथ जी ने जिसको अपने हृदय से लगा लिया है, संसार में उससे पवित्र दूसरा कोई नहीं हो सकता है। मिले भरत जी, और उसके बाद निषाद जी से पता चला कि राम जी यहीं सोए थे, तो कहते हैं निषाद जी, कवन हौवे भुइया जहवा अरे भैया रखनी पैया इतना बतिया सुन के। वो स्थान दिखाइए जहां रघुनाथ जी विश्राम किए थे। निषाद राजगुरु भरत जी को लेकर गए, उस स्थान को निषाद जी घेर कर और मंदिर बनाकर पूजते थे जहां राम जी सीता जी सोए थे रात को। भरत जी देखे, जाकर दंडवत किए, भरत जी पट के ले सीर इतना बतिया सुन के। भरत जी दंडवत करते हैं। भरत जी ने निषाद राजगुरु की कुशलता पूछी, आप कुशल है ना? निषाद राजगुरु ने कहा, भरत जी राम जी जिसको अपना बना ले अब उसकी कुशलता पूछनी नहीं चाहिए, उससे अधिक कुशल संसार में कौन होगा है? हमारे पूज्य महाराज जी एक भजन गाते हैं, अरे मुझे कौन पूछता था। देखिए, मेरे जैसे एक नहीं करोड़ों राजन भीख मांगत है, करोड़ों, कोई एक गिलास पानी भी नहीं पूछेगा। अरे मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। मैं खुद को ढूंढता था, कौन हूँ मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी
जिंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता। प्रभु मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली शिप होती, मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली शिप होती, मेरी बढ़ गई है कीमत तूने भर दिए है मोती, मेरी बढ़ गई है कीमत तूने भर दिए है मोती। मैं दर दर भटक रहा था, मैं दर दर भटक रहा था, कब तेरी बंदगी से पहले मेरी कुछ नहीं थी हस्ती, मैं कुछ भी तो नहीं था, मेरी कुछ नहीं हस्ती, मैं यूं भटक रहा था तूफान में हो कश्ती, मैं यूं भटक हुआ दिया था, मैं बुझा हुआ दिया था, कब तेरी बंदगी से पहले मैं बुझा हुआ दिया था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता। तू तो प्रभु बड़ा है तेरी रहमतें बड़ी है, तू तो प्रभु बड़ा है तेरी रहमतें बड़ी है, तुझे क्या क्या हम बताएं क्या दास पर पड़ी कथा से पहले, न ये गीत ना गला था, न ये गीत ना गला था, तेरी बंदगी से न ये गीत ना गला था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन कौन पूछता।
बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता। निषाद राजगुरु भी यही कहते हैं भरत जी से, राम कीन आपन जब ही ते भय भुवन भूषण तब ही ते मैं भय भुवन। भरत भैया पूरे समाज के साथ सिंहवीरपुर में गंगा जी के तट पर रात्रि में विश्राम करते हैं। भरत भैया सिंहवीरपुर में विश्राम करते हैं और आज की कथा को हम और आप अब यहाँ विश्राम करते हैं।